लोग जा रहे हैं स्कूल। ये देख लो, ये देखा, ये जोर से रैपट मारोगे ना खिजा खिजा के। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और यशु तो वो 6 बजे की उठी हुई है, उसको पापा का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था और मेरे का पता नहीं इनमें कब टीका लग गई, मुझे पता भी नहीं। अभी जब फ़ोन आया उसका तो मुझे पता चला नहीं 6 बजे की उठी है। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, महक वगैरह जो गेस्ट आए हुए थे वो लोग जा रहे हैं, तो फिलहाल चलो नीचे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आ गई गाइस को गुड मॉर्निंग कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले चुकी हूँ और आज भी यशु के साथ फिल्मी सीन हुआ है। बाप तो कहोगे कि नहीं ये सब नाटक है, लेकिन विश्वास करो अब तो थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया। ये लगा हुआ था मेरे को भी, जबकि मैंने वहाँ पे फ्लोर पे पूरा चेक किया है, वहाँ पे कोई सिंदूर भी नीचे नहीं गिरा हुआ, क्योंकि सिंदूर मैंने कोई आपने देखा होगा प्लेट में रखा हुआ है। आज मैं जाके इंस्पेक्शन करूंगी पूरा, ज्यादा ही भगवान की मेहरबान है। हाँ, जाके इंस्पेक्शन करना हो, मेरे को भी जरूरत है। ये आ चुके पापा। गुड मॉर्निंग करो ब्लॉग में हमारे। गुड मॉर्निंग गाइस करो। गुड मॉर्निंग गाइस। पूछो गाइस को कैसे हो, ऐसे बोलो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। बोलो अपनी ग्लोइंग स्किन का पर राज बताओ क्या है गाइस को। नाशपति मैं ये खाता हूँ। अच्छा, आप सब ये खाओ, नाशपति खाओ तो मेरी स्किन हो जाएगी। नहीं पापा वैसे भी सच में भी फ्रूट ज्यादा खाते हैं तो इसलिए पापा की स्किन ग्लो करती है। मतलब पापा फ्रूट के चक्कर में तो बहुत ज्यादा पागल है, मीठा तो बस दे दो। मतलब पापा को वैसे मीठा नहीं मिलता इसलिए पापा फ्रूट का सहारा लेते हैं, कहते चलो फ्रूट तो मीठा है ना उसको तो खाने देंगे तुमसे। हां इसीलिए ये नेचुरल होती है ना, इसमें शुगर नहीं आती इसमें। गन्ना खा लो फिर। इसका नाम है शुगर कैन। तो गाइज ये है आज से हमारी डाइट शुरू हो चुकी है। तेरी का ड्रिंक तो ये है मेरी, यू नो फर्स्ट ड्रिंक। तो इसमें अभी नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा रिजल्ट आने दो फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो चलो फिलहाल डिटेल भी देंगे डाइट शुरू की। हाँ प्रॉपर डिटेल, दो मिनट रुको, पीछे से लियो ने भोग भोग दिमाग खराब कर रखा है। चलो फिलहाल अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। आज तो खुद ही खुद चीला बनाया जा रहा है। बहु मैं काम कर रही हूँ ना, चल मैं बना लेती हूँ, बैठ जा। फोन चला लो आराम से बैठ के। पागल है क्या, मैं का फोन चला रही हूँ। यही होता है एक परफेक्ट बीवी का एग्जांपल। मैं तो बस तेरा हो रहा हूँ, मैं तो बस तेरा 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 हो रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि आज हम बाहर निकल रहे थे तो गर्मी तो होनी थी, जायज सी बात है। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल किसी काम से, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं। तो अभी के लिए ये सस्पेंस है। हमने अपनी जिंदगी के कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। हाँ तो अभी के लिए सस्पेंस है, फिलहाल डिसीजन जो किए। हाँ तो फिलहाल अभी हम जाते हैं, बात करके आनी है स्कूल किसी के एडमिशन की। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. So guys, finally school से तो हम लोग आ चुके हैं। एडमिशन की बात करने गए थे वो हमारा मतलब बात बात हो गई है। तो 7 तारीख से स्कूल खुलेंगे तो आपको बताएंगे धीरे धीरे क्या सीन है क्या नहीं है, इसकी बात करने गए थे। फिलहाल हमारी जो डाइट की मील चल रही है यहाँ पे बन रही है, ये है टिक्की राजमा और ओट्स की टिक्की। राजमा और एक्चुअली व्हाइट चने और ओट्स की टिक्की बनानी थी, बट हमारे पास व्हाइट चने हमने भिगोना भूल गए थे, उबालना भूल गए थे, तो इसलिए फिर राजमा उबली हुई थी। तो वैसे दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों में ही प्रोटीन का ही चीज़ आई थी, तो इसलिए फिर हमने राजमा और ओट्स की टिक्की बनाई है और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। तो अभी मैं आपको प्लेटिंग वगैरह करके दिखाऊंगी। और यशु यहाँ पे लगा रही है राजमा में तड़का। फोन आ रहा है। रेडी है अपनी टिक्की एंड हरी चटनी के साथ, ये हमारा लंच है। सो गाइज फिलहाल ऊपर आ चुकी हूँ मैं लंच वंच करके, चेंज वेंज मैंने कर लिया है
और लंच तो कर लिया लेकिन भूख तो लग रही है ना, चार टिक्की खाई थी मैंने, चार टिक्की से थोड़ी पेट भरता है राजमा और उसकी टिक्की से, है ना बाबू, पेट नहीं भरा ना? नहीं मेरा भरा हुआ पेट। तेरा भर गया? जी मेरा तो भरा ही नहीं यार, भूख लग रही है। जाना से मत करो, मतलब अभी शुरू शुरू के दिन है ना यार, शुरू शुरू में तो अब थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी ना, पेट को बताना पड़ेगा कि तुझे इतना ही खाना मिलेगा, अभी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और इतना ही का मतलब साथ साथ ये ही हेल्दी मिलेगा, ये बताओ उसको कि हेल्दी मिलेगा और इतना खाना मिलेगा। तो बिलाल अभी ये देखो, ये है बॉडी मसाजर, इस पे अपन लेटेंगे मस्त, ये देखना अभी, मतलब मैं लेटूंगी, ये ऐसे खुल जाता है पूरा, ठीक है, और इसके ऊपर मस्त लेट जाओ, पूरी बॉडी का भी मसाज हो जाएगी। और मैं दिखाती हूँ, ये ना हमने एक वो मंगवाया था ट्रैक, आपने मंगाया था तो तेरे लिए तो मंगवाया था, अपनी तारीफ कर लो ना एक बार, क्या हो गया? हाँ तो कर देती हूँ मैं अपनी तारीफ, ये ट्रैक मंगवाया था, बहुत सुंदर सा आया, कपड़ा बहुत ही शानदार है इसका, देखो मैंने ये है, इसके साथ ये है स्पोर्ट्स शॉर्ट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही पजामा है इसका, ये ऐसे, तो बहुत ही शानदार था ये। अब इसे यशु इसको पहन के मस्त वॉक पे जाया करेगी। तो फिलहाल अभी चलो, पूरे ज्यादा नहीं वो करने लग गए मेरी, क्या करने लगे? ऐसे मतलब कभी टॉप मंगाते हो, कभी कुछ मंगाते हो, मंगाते रहते रहते हो, कुछ ना कुछ, मतलब करूं तो भी दिक्कत है, ना करूं तो भी दिक्कत है, मतलब आ गई चुड़ैल, आ गई चुड़ैल, अब देखना पतलू उठाओ, अपना उठाओ, उसे पतलू को उठाओ, पतलू को उठाओ, मैं फिर मैं बंद कर रही हूँ, फिर मैं बंद कर रही हूँ, देख ले पतलू फिर बाहर रह जाएगा, पतलू बाहर रह जाएगा फिर, ये लो बस लेके और उसको साथ खेलती रहेगी, अब नहीं ना जरा कोई शर्म नहीं है, बस यही काम है इसको। तो बाबू अभी, हाँ अभी का थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लेटूंगी, रेस्ट करूंगी, फिर मेरे को आज एक वीडियो एडिट करना है, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप इतने दिन से चाह रहे थे, मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता नहीं वो आज भी एडिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है यार, कभी कुछ थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जल्दी आपको वो चीज़ें पता चलेंगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, एंड बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, मुँह पे चौकी लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरे मुँह से निकल जाती है ना चीज़ें, इसलिए तो बस फिर अभी थोड़े दिन में आपको चीज़ें पता चलेंगी कुछ फिर आप देखना, बस फिर फिलहाल मैं लेट जाती हूँ, मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चलो ये देख लो, ये देखा आपने, हाँ दिख गया होगा आप लोगों को नज़ारा इस आदमी का, ये यहाँ पे लेट के इसको मसाज चाहिए, और मैं मना कर रही थी कि मत करो, अब इनको उल्टी भी आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, उल्टी चक्कर दोनों चीजें आ रही है, क्योंकि ऐसे वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में, वो वाइब्रेशन चल रहा है पूरा मशीन में, चक्कर आएंगे नहीं क्या? किसने बोला था इधर देखना जरा, इधर देखो, देख रही है, इधर देखना जरा, वो देख रही है डेजी, आ रहा चक्कर नहीं, आया चक्कर, मजा आया मजा, डेजी से दर्द, डेजी मुंह दो कंसरे पे दो चक्कर आ गए गाइस, अच्छी बात है, आए चक्कर अच्छी बात है, करो और कारिस्तानी गाइस, अब हम ना इस पे लेटेंगे और मैं बॉडी मसाज करूंगी इसके ऊपर लेट के, मुझे थोड़ी पता था ऐसा, मैंने आपको बोला नहीं था उस दिन जब चीना लेटी हुई थी कि चक्कर, वो डीपी भी बोल रहा था चक्कर आते हैं, मजे आए, क्या कहना चाहते हो फिर आप ऑडियंस को मसाज देने के बाद? गाइस भाई मैं थोड़ी सी सो जाती हूं, क्या हो जाती हो? सो जाती हूं, क्यों सोना क्यों है? चक्कर आ रहा है, जिंदगी में, ठीक है ना, जब मैं मना कर रही हूँ किसी चीज के लिए तो मैं किसी रीजन से कर रही होंगी ना, हाँ गिर मत जाना, बता रही हूँ मैं, अब कहाँ चले अपने पोर्टल लेके, ये कहाँ देश निकाला हो गया, जाओ फिर भागो यहाँ से। तो ये होता है बीवी की बात ना मानने का अंजाम। कोप घर में चली गई हो क्या? क्या है? क्या है? सच में गिर गई क्या? चलो ठीक हुआ मामला। गिर गई क्या सच में? डुगू? नूना पापा को देखना उठ के। अरे हाय, मोटी भी हो गई है, अब तो उठती भी नहीं है। जोर से रापट मारूंगे ना खिजा के, ऐसे धुड़ुमा करो, जबरदस्ती प्रैंक कौन यीशु?
हुआ कि जैसे मैं उससे उठ के आया तो क्या पता मैं सच में चक्कर आया, फिर भी कह रही है निकल नहीं गया। क्या बोला था? मैं वो नाम वाली बीवी नहीं हूँ जिसके पीछे सरनेम लग जाता है और बीवी बन जाती है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा तुम्हारा पति पत्नी के रिश्ते के अलावा वो माँ वाला रिश्ता भी है ना, तो मुझे पता है कि आप कितने पानी में हो। कोई नहीं, गिरे ऐसे थोड़ी गिरता है चक्कर खा के दुड़ूम। मेरी सिचुएशन याद है ना जिम वाली, वो सिचुएशन होती है पता चलता है कि हाँ कुछ हो रहा है, नौटंकी करी गिर गई दुड़ूम। वो भी देख रही है कि पट देनी क्या आवाज आई, वो पता नहीं बाप नीचे गिर गया। डर पता कितनी थी, वो वाइब्रेशन की आवाज से डर रही थी पता आपको। मैंने सिखाया है इसको ऐसा, मम्मा को नो पारू पारू, फिर सब कहने लग गए, अब इसको वैसे ही सब ऐसे करने लग गए। मेरे डायलॉग को इन्होंने छीन लिया गाइस, चोरी कर लिया। डेजी मम्मा का नो पारू पारू, अभी मेरे पास ही नहीं आती गाइस। डेजी मम्मा का नो पारू पारू, अरे डेजी कुत्ती कहीं की। डेजी मम्मा का नो पारू पारू, अरे मेरे बच्चा जा 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 जा, मेरा बॉय वो वे तो ना है, कर लिया इसने तो पालू पालू, आज तो काज तो भी नाक नहीं कटवाई इसने। मम्मा की नोजूत नहीं कटवाओगे तो मम्मा की नोजूत छोटी हो जाएगी बाबू। ओके मत किया करो ऐसे, मना करो थे ना ऐसी ऐसी चीजें मत किया करो। भर के लाई हूँ इसीलिए। मेरे को ना वाटर इंटेक करने के लिए ना कुछ फैंसी सी बोतल चाहिए। ज़्यादा वाटर। शक्ल देखी है आईने में अपनी, आपने रसगुल्ले जैसी भी पड़ी है जो ये है, देखा है क्या आपने रसगुल्ले जैसा मुंह अपना। बहुत शूट कर चुके, बहुत मजा ले लिया उन्होंने मसाज के, और यहाँ पे चल रहा है डेजी का गेम। डेजी को बस खेलने को चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ खेलो, आप खेलो नाक तोड़ लो उसकी भी, जाओ हाँ जाओ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। झाबर कुत्ता बन चुका है डेजी, अब डेजी अब झाबर कुत्ता बन चुका है। मम्मा के पिटाई हो जाएगी डेजी, सुनो क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया, क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया ये, क्या किया, पढ़े 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 पढ़े, डंडा दो मेरे को, डंडा डंडा डंडा, इसको डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा इसको। चुनो ये चुनो, चलो गाइस बहुत शूट कर लिया मैंने आपके लिए, मिलते हैं आपसे बाद में थोड़ा रेस्ट करके। सब्जी वाले के नारियल बिल्कुल तोड़ के देना उन्हें गवारा नहीं होता, इतने बड़े बड़े चक्कू होते हैं उनके पास, वो आदमी कट जाए उनसे है? और कहते नारियल रड़म नहीं, कहते बड़े पेचकस नहीं है मेरे पास, मुंबई में हमको सारे तोड़ के देते थे ये, नहीं बताना कौन सा पेचकस यूज होना है। और अगर वो नहीं भी तोड़ के देते ना तो भी कह देते थे मैडम हमारे पास वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई नहीं कर देते। आप कहते हैं बाट से तोड़ के दिया जिसे तोलते हैं यार, बहुत गंदे, बहुत ही ज्यादा गंदे। वो आराम से कटवा मत लियो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अब जो हमारी जो नेक्स्ट मील यानी कि कल के लिए एक प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, बहुत ही आपको शायद सुनने में भी अजीब लगेगा, वो है अलसी और नारियल के लड्डू। तो वो हमारी एक मिड ब्रेकफास्ट है हमारा, एक जो आज हम नहीं ले पाए थे क्योंकि बनाया नहीं था, टाइम नहीं मिला था, तो कल लेंगे उसको। आज हमने उसकी जगह कुछ लिया था क्या, नहीं आज लिया ही उसकी जगह, एक मील हमसे लेफ्ट हो गई थी, लेफ्ट होनी ही थी एक तो, क्योंकि हम गए हम स्कूल भी तो गए थे। तो देख बताती हूँ मैं आपको कैसे नारियल फूटने जा रहा है, इधर तोड़ना, इधर तोड़ना, पत्थर है ये नहीं टूटेगा, जोर से मारो, नहीं टूटेगा, टूट गया तो नहीं, तो टूटेगा अंदाजा लगा लिया है। मैं पत्थर देख रही हूँ क्योंकि, तो अब मैं तोड़ने जा रही हूँ, डन आराम से, थ्री छोड़ना नहीं है हाथ से, टू हाथ से छोड़ना नहीं है, टूट चुका है, दूसरी बार में तोड़ने की कोशिश है, उसके अंदर निकालना सीधा, हाँ यार मैं मुक्का मारूंगी बहुत तेज। करो हाँ नहीं मारो, स्टाइल मारो और स्टाइल मारो, वही बोल रही हूँ कि ऐसे मत तोड़ो, चल गया पानी पानी, ऐसे ध्यान दो, छीला तो मैं नहीं था कुछ भी, छीला तो मैं नहीं था ना, ये तो मेरा चिल्ड गाइस, इतना परफेक्ट नारियल सिर्फ मार के, सिर्फ नीचे जमीन पे मार के किसी ने नहीं तोड़ा होगा आज तक। भाई नारियल कितना प्यारा निकला टच वुड, पानी देख कितना सारा पानी में हो जाए, लड्डू तैयार हो चुके हैं ना, क्योंकि इसमें पहली बार कुछ ऐसा बनाया मैंने, मतलब नॉर्मली भी नहीं बनाती लड्डू, तो चलो देखते हैं कैसे लगेंगे खाके।
कल बताएंगे आपको। सो गाइस अभी हम लोग आए थे बाहर डेजी को घुमाने के लिए और यहाँ से जो सूरज मतलब सनसेट जो होता हुआ नजर आ रहा है ना, मतलब आंखों में जन्नत दिख गई ऐसा दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये एक नंबर। और मेरी चप्पल देख लो क्योंकि मेरी चप्पल ऊपर रह गई थी ना, इसलिए मैं चीना भी आ गई सामने से। दे दे हाय बाबू, चीना पार्सल लेके जा रही है क्या वो सीसी क्रीम? हाँ बताना जरा, मेरे पास तो है ही नहीं कोई, आपको ड्रेस भी नहीं है कोई। उतार चप्पल, कुछ लेके जा रही है चप्पलों का आदान प्रदान। आराम से आ गई, चल डेजी तरह ये क्या, इसका क्या अटक गया क्या पैर में? पैर में अटका रखा है। आ बोले जाओ, बुलाइयो चीना, इसको बुलाइयो। छोड़ दो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।